मरना होगा तो कितनी सिक्योरिटी हो, लेकिन इनका इरादा यही है कि इसको कोई मार दे। क्या गवर्नर लोगों को वास्तव में इतने रुपए मिलते हैं जितने आपने बताया 300 करोड़ रुपए? मैं तो उसी दिन बोला जिस दिन पुलवामा हुआ, सेम डे। बल्कि पीएम का जब मुझे फोन आया उसके पहले तो मैं 2 चैनल को बता चुका था कि ये हमारी गलती से हुआ है। तभी मुझे कहा गया कि अब आप चुप रहिए, कोई सिक्योरिटी नहीं है किसी तरह की। बाहर भी जाता हूँ मैं, मेरा महीने में 10 प्रोग्राम बाहर रहते हैं, किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं है। किराए के मकान में मैं रहता हूँ, मकान मिलता है वो जम्मू कश्मीर के रिटायर्ड गवर्नर को, वो भी मुझे नहीं दिया है, सिक्योरिटी भी मुझे नहीं दी है। ये सब बदले की भावना से होगा। उस सड़क पर, जिस सड़क पर सीआरपीएफ का ये काफिला जा रहा था, उस सड़क पर इतने किलो आरडीएस कहाँ से आ सकता है? वो तो चुनाव तो हर साल लाशों पे जीता जाता है। कश्मीर में एक ट्रांसफर के 50 लाख रुपए मिलते हैं। एक को खुद से मोहब्बत है, ही लव्स हिमसेल्फ एंड ही लव्स हिमसेल्फ टू मच, उसी में सब चीज़ समझ लो आप, इससे ज़्यादा कुछ कहने की तो। 2024 के चुनाव से पहले फिर कोई एक बड़ी घटना, ईश्वर ना करे। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दिल्ली आया था कल, फिर एक दुखद घटना घटी, टीवी पे चला कि रजौरी में आतंकवादी हमले में हमारे 5 जवान शहीद हो गए। पिछले दिनों भी ऐसे हुआ था कि हमारे जवानों पर हमला किया गया था और हमारे कुछ जवान शहीद हो गए। कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई है, अब वहाँ आतंकी घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन जिस तरह से हमारे बहादुर जवानों को शहीद किया जा रहा है, पूरे देश में एक चिंता की लकीर खींच गई है कि आखिर जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है। मुझे लगा कि जम्मू कश्मीर के हालात को समझने के लिए, जम्मू कश्मीर में ये आतंकी घटना हो क्यों रही है इसको समझने के लिए और इसकी जड़ क्या है, एक शख्स से बात करूं दिल्ली में जो मुझे इसकी पूरी पड़ताल बता सकता है। मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि मैं जिस शख्स से मिलने आया वो आतंकियों की लिस्ट में है, वो तमाम ऐसे संगठनों की लिस्ट में है, क्योंकि कुछ काम ऐसे किए थे जो पूरी आतंकी संगठनों को, पाकिस्तान को पसंद नहीं आए थे। तो मुझे लगा कि जब मैं इस शख्स के पास जाऊंगा तो पूरी तलाशी अभियान होता ही होता है, आप किसी VIP के यहाँ जाते हैं तो पहले तलाशी होती है, आपके बैग की तलाशी होती है। तो मैं अभ्यस्त था, मैं अपने वीडियो एडिटर योगेश जिससे कह रहा था, मैं जा कर रहा था कि भाई सब सामान वामान गाड़ी में लग जाना, बहुत तलाशी तलाशी होगी। मुझे बताया गया कि वो शख्स ऊपर एक फ्लैट में रहते हैं। मैं गया, एक सामान सोसाइटी, जैसे मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, मैंने देखा कि वो फ्लैट का जो नंबर बताया गया था, तो मुझे लगा घंटी बजाने से पहले शायद मैंने गलत नंबर दबा दिया, क्योंकि यहाँ तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई बाहर डंडा लेके भी नहीं बैठा हुआ है। घंटी बजी और मैंने कहा कि मैं सतपाल मलिक से मिलना चाहता हूँ। वो सतपाल मलिक जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे जब धारा 370 हटाई गई थी। और मैंने पहले डरते डरते उस दरवाज़ा खोलने वाले शख्स से कहा कि माफ़ कीजिएगा, मैं गलत मकान में तो नहीं हूँ, क्या ये उन्हीं का मकान है? उन्होंने कहा आप आइए, उन्हीं का मकान है। तो मैं उनसे बातचीत करूँगा, लेकिन मैं उस पूरे वाक्यों को देख के थोड़ा शर्मिंदा भी महसूस कर रहा हूँ, थोड़ा अचंभित भी हूँ, और थोड़ा हुकूमत के प्रति मेरे मन में गुस्सा भी है। मैंने तमाम गुंडों को, मैंने तमाम अपराधियों को, और संसद में बैठने वाले ऐसे तमाम अपराधी छवि के लोगों को देखा है जिनको सरकार ने 10-10, 20-20 गनर दे रखे हैं। लेकिन जिस शख्स के हस्ताक्षर से कश्मीर में धारा 370 हटती है, पुलवामा हमले का जो आदमी एक एक चीज जानता है, उस शख्स के सुरक्षा के नाम पर एक व्यक्ति भी नहीं। क्या इस देश में सच बोलने की कीमत अब इतनी बड़ी हो गई है कि सतपाल मलिक जैसों की सुरक्षा
देश के कर्धारों के लिए अब कोई महत्व बचती नहीं है। मैं अब मन की बातें ज़्यादा नहीं करूँगा, पहले उनकी मन की बात करता हूँ। सतपाल मलिक जी, स्वागत है आपका। और जैसा मैं कह रहा था, मुझे बड़ा हैरानी हुई कि कोई सिक्योरिटी नहीं। डर नहीं लगता आपको? डर क्या, जिसका होना होता है ऊपर वाला करता है। मिसेस गांधी तो इतनी सिक्योरिटी के बीच में मारी गई थी, मरना होगा तो कितनी सिक्योरिटी हो। लेकिन इनका इरादा यही है कि इसको कोई मार दे। कोई सिक्योरिटी नहीं है किसी तरह की। बाहर भी जाता हूँ मैं, मेरा महीने में 10 प्रोग्राम बाहर रहते हैं, किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं है। किराए के मकान में मैं रहता हूँ, मकान मिलता है वो जम्मू कश्मीर के रिटायर्ड गवर्नर को, वो भी मुझे नहीं दिया है, सिक्योरिटी भी मुझे नहीं दी है। ये सब बदले की भावना से हो रहा है। बदला किस चीज़ का? केवल आप बदला बोलने का। आप बोलते, आप बोले कैसे किसानों के लिए, आप बोले कैसे पुलवामा पे? सब बड़ा सवाल। इमरजेंसी से ज्यादा इस वक्त तानाशाही है देश में। सतपाल मलिक जी, अमित शाह जी ने कहा कि आप तब बोले जब आप कुर्सी से हट गए। आपके ऊपर आरोप लगाया कि आप पब्लिसिटी लेने के लिए बोल रहे हैं, आप तब क्यों नहीं बोले? अमित जी को थोड़ा याद अपनी खुरचनी चाहिए। मैं तो उसी दिन बोला जिस दिन पुलवामा हुआ, सेम डे। बल्कि पीएम का जब मुझे फ़ोन आया, उसके पहले तो मैं 2 चैनल को बता चुका था कि ये हमारी गलती से हुआ है। तभी मुझे कहा गया कि अब आप चुप रहिए। मैं लेकिन गवर्नर रहते हुए बोला, किसानों के मामले पे भी मैं गवर्नर रहते हुए बोला, हटने के बाद नहीं बोला। मलिक जी, आप गवर्नर थे, पुलवामा की घटना हुई, आप कितनी देर में वहाँ पहुँचे थे? क्योंकि आप मुझे याद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आप वहाँ गए थे घटनास्थल पर। अगले दिन गया था। अगले दिन गए थे शाम को, मुझे पता चला था। और उसके अगले दिन वहाँ पहुँचे, उनका फ़ोन आया था, उन्होंने पूछा क्या हुआ, मैंने बताया ऐसे ऐसे हुआ और इसमें हमारी गलती हुई, उसकी वजह से हुआ। तो उन्होंने कहा इस पर आप चुप रहिए। गलती आपने कहा कि गलती ये थी कि CRPF को जहाज नहीं दिए। आसानी थी अगर वो मेरे से मांग लेते, मैं लूप में नहीं था, अगर CRP मेरे से मांगती होम मिनिस्ट्री के बजाय तो मैं दे देता। वो कह रहे हैं वो खत नहीं है कहीं पे भी, आप अपने मन से बोल रहे हैं ये खत। कर की रिपोर्टिंग है, 4 महीने तक वो लेटर पड़ा रहा वहाँ। दैनिक भास्कर में रिपोर्टिंग है कि 4 महीने तक CRP का रिक्वेस्ट का लेटर होम मिनिस्ट्री में पड़ा रहा। मलिक जी, आपका इनडायरेक्ट इशारा यह है कि पुलवामा होने दिया गया? नहीं, मैं ये तो नहीं कहना चाहता, पर मेरा इनडायरेक्ट इशारा ये है कि हमने अपनी फोर्सेस को इग्नोर किया, उनको मरने दिया। क्या आभास था? अजीत डोभाल साहब क्या कर रहे थे, IB क्या कर रहा था, इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? पता नहीं क्या कर रहे थे, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। आप गवर्नर थे, आपको तो पता होगा कि वहाँ इंटेलिजेंस क्या। वो इंटेलिजेंस इनपुट आते थे कि वहाँ तो बिना अदरवाइज भी, वो जो स्ट्रेच है वहाँ तो जनरली टेररिस्ट घटनाएं होती हैं। उस सड़क पर, जिस सड़क पर CRPF का ये काफिला जा रहा था, उस सड़क पर इतने किलो RDF कहाँ से आ सकता है? ये तो बिना पाकिस्तान के अरेंज नहीं हो सकता है। था तो ये पार से ही आया था, लेकिन वो तो सुनते हैं 10 दिन से लिए घूम रहा था लड़का उस गाड़ी में। और दिलचस्प बात ये थी, जब मैं बाद में गया, मैंने देखा कि उस सड़क के उस स्ट्रेच पे 10 सड़क इधर और 10 लिंक रोड इधर से मिलती हैं, एक भी मैन नहीं थी, कोई जिप्सी नहीं खड़ी की गई थी कि भाई अभी ट्रैफिक जा रहा है CRP का, आप मत जाओ। जबकि नियम है कि जब तक फोर्सेस गुजरती हैं तब तक कोई ट्रैफिक नहीं जाता है। तो ये नियमों की अनदेखी जानबूझ के की गई थी या फिर ये हो गया? अब इसको ईश्वर ही ज़्यादा अच्छा जानता। मैं तो इसमें कुछ अपनी तरफ से कमेंट नहीं करना चाहता, पर ये बिल्कुल असफलता थी सरकार की। पूरा चुनाव उस पर जीत लिया गया? वो तो चुनाव तो हर साल लाशों पे जीता जाता है। यहाँ एक बड़ा बयान दे रहे हैं आप कह रहे हैं कि चुनाव लाशों पे जीता जाता है हिंदुस्तान में। पुलवामा भी इसका एक प्रयास था। आप गवर्नर थे, आपको उस दिन थोड़ा सा कहीं अपनी चूक का एहसास हुआ कि आपका भी एक नेटवर्क था, आप कहीं चूके, आपको व्यवस्था करनी चाहिए थी? मैं जब ये कह रहा था इनसे कि हमारी भी गलती हुई तो उसमें मैं भी इंक्लूडेड, लेकिन उसकी जांच होनी चाहिए थी और रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी होनी चाहिए थी। वो कुछ नहीं हुआ, हमने सारा पाकिस्तान पर डाल के चुनाव में चले गए। मलिक साहब, एक DSP पकड़ा गया था देवेंद्र सिंह, और ये खबर आई थी कि जब वो पकड़ा गया तो उसने पकड़ते समय ये कहा कि कर क्या रहे हो, सारा मामला, सारी पिक्चर फ्लॉप कर दे रहे हो,
फिर वो जेल गया और ये माना गया और ये कहा गया कि वो मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल था, लेकिन वो देवेंद्र सिंह अब कहाँ है उसकी कोई चर्चा नहीं करता, छूट गया और कहाँ गायब हो गया? गायब नहीं, वही है। उसका कुछ रोल, आप गवर्नर रहते हो, आपने मालूम किया? नहीं था उसका रोल, लेकिन वो टेररिस्ट के साथ हॉबनॉबिंग करता था इतनी कि उन्हें निकाल देना, पार कर देना वगैरह वगैरह। तो जम्मू कश्मीर में कुछ पुलिस ऑफिसर ऐसे थे? ऑफ कोर्स पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, लीडर्स भी हैं जिनको सपोर्ट रहती है टेररिस्ट के। जब 370 हटाने की वाली बात हुई थी मलिक साहब, तो आपसे कितने दिन पहले डिस्कशन किया गया, कितने दिन पहले बात की गई? अंदाज तो मुझे बहुत पहले से था, जब मैं गया था तभी से था, लेकिन मुझे मेरे लेटर के बेसिस पे हटनी थी वो, तो लेटर मुझे सुबह भेजना है, ये बात मुझे शाम को होम मिनिस्टर ने कही थी कि सवेरे ही लेटर भेज दो। खुद अमित शाह जी ने आपसे बात की? आपकी तो रूटीन में बातचीत ज़्यादा अमित शाह जी से होती थी? उनसे ही होती थी। प्राइम मिनिस्टर से आपकी बात होती थी? बहुत कम होती थी, ज़्यादातर बात अमित शाह जी से होती थी। आपको रात को सूचना दी गई कि सुबह ये 370 वाला हटने वाला लेटर भेज दो, पहली बार जब आपको बताएगा, उससे पहले आपको आभास था कि 370 हटने वाली है? अंदाज था कि हटेगी, ये एग्जैक्टली पता नहीं था किस दिन हटेगी। आपको उस इतने लूप में नहीं लिया गया कि आपसे डिस्कशन हो कि हटेगी तो उसके बाद ये रिएक्शन हो गया या ये बातें होंगी? नहीं, देखिए जो वहाँ की अपोजिशन पार्टीज हैं वो तो रोज़ कह रही थी हटेगी, आज हटेगी, कल हटेगी, मैं ज़रूर ये कह देता था, अभी मेरे पास जानकारी नहीं, जो नहीं थी मैं झूठ कैसे बोलता, और जिस दिन जानकारी आई तब मैंने बता दिया, मैंने कहा कुछ जेब से निकाल के तो हटेगी नहीं, पार्लियामेंट में आएगी, बहस होगी, पास होगा तब हटेगी। मलिक साहब, ये कहा गया था 370 हटने के बाद में सारे आतंकी हमले बंद हो जाएंगे, घटनाएं कम हो जाएंगी, लेकिन अभी भी हमलों का 370 से कोई ताल्लुक नहीं था। 370 का मतलब ये था कि कश्मीर के लोग अपने को हिंदुस्तान के नज़दीक महसूस करें, लेकिन उसका भी हमने जो फ़ायदा था वो खो दिया, चूँकि हमने कश्मीर को डाउनग्रेड करके यूटी कर दिया, जो नहीं करना चाहिए था मेरी राय में, और यूटी करने की उनको ज़्यादा चोट है बजाय 370 हटने की। कश्मीर के लोग आपसे अब संवाद करते हैं, कुछ लोग बात करते हैं कि यूटी नहीं करना चाहिए था? लोग करते हैं, ये किसी ने मुझे नहीं कहा, पर मुझे पता है कि नहीं करना चाहिए था, ये उनको एहसास है। और ये इसके करने के नुकसान क्या थे, यूटी करने के नुकसान क्या थे? यूटी करने के नुकसान ये थे कि आपकी स्टेट को डाउनग्रेड कर दिया, आपका दर्जा कम हो गया, और सरकार ने शायद आउट ऑफ पैनिक में किया, इनको ये था कि पुलिस रिवोल्ट ना कर दे। यूटी करने के बाद पुलिस डायरेक्टली सेंटर के अधीन आ जाती थी। तो आपको कहना मतलब ये कि इन सरकार को, भारत की सरकार को डर था कि अगर हम इसको यूटी नहीं करेंगे तो स्टेट के पुलिस पुलिस भी रिवोल्ट कर सकती है, इस वजह से हड़बड़ी में ये फैसला उठाया गया। तो इसका इस इशारे का मतलब तो ये भी है कि पूरी प्लानिंग नहीं की गई, क्योंकि प्लानिंग तो बहुत दिनों से चल रही थी, पर इनकी प्लानिंग ऐसी होती है। राजनीतिक फायदा उठाना ज़्यादा बड़ा था या फिर वास्तव में कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त कराना ज़्यादा बड़ा मुद्दा था? नहीं, आतंकवाद से मुक्त कराने के लिए 370 नहीं हटाई थी, 370 तो चूँकि इनका प्लैंक था, ये हर चुनाव में बोलते थे, इनके घोषणा पत्र में था, वो तो अपने वोटर को अपीज करने का था। एक बड़ा मुद्दा बार बार आपसे पूछा जाता है, हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, राम माधव और अंबानी की फाइल्स का, CBI ने भी आपको बुलाया और कई घंटे आपसे पूछताछ की, क्या क्या पूछा आपने, कुछ बता सकते हैं? देखिए, जिनसे पूछताछ करनी चाहिए उनसे तो करी नहीं, मैं तो शिकायत करता था, मेरे से क्या पूछताछ करनी, उनसे करो जिनका मैंने नाम लिया, उनसे नहीं किया अभी तक। मेरे से पूछा कैसे क्या बताया मैंने, वो डाइवर्ज करना मेरे लिए ठीक नहीं। आपका इशारा था कि राम माधव और अनिल अंबानी से पूछताछ नहीं की गई, करनी चाहिए। क्या गवर्नर लोगों को वास्तव में इतने रुपए मिलते हैं जितने आपने बताया 300 करोड़ रुपए फाइल क्लियर करने के लिए? कश्मीर में एक ट्रांसफर के 50 लाख रुपए मिलते हैं। इतना पैसा है कश्मीर में? कश्मीर में इतना पैसा है और इतना ही करप्शन है। इस 370 के हटने के बाद कुछ जानकारी है, करप्शन बढ़ा है, कम हुआ है? मैं नहीं कह सकता चूंकि मैं तो एक महीने बाद चला आया था। तो कश्मीर में इतना पैसा क्यों मिलता है, किस बात के लिए मिलता है? कमाते हैं लोग कश्मीर के, जितने भी फॉरेस्ट का जो चीफ है वो रिटायर हुआ, महारानी बाग में बंगले मिलेंगे उनके, सब जो भी वहाँ डिपार्टमेंट के हेड हैं सबके बंगले दिल्ली में मिलेंगे आपको। तो ये बात तो आपकी जानकारी में तब भी आ गई होगी जब आप गवर्नर थे, लेकिन मैंने जब ये दोनों कैंसिल किए मामले, उसके बाद से पैनिक हो गया था, डर हो गया था, फिर कम हो गया था करप्शन।
बीजेपी मानती है आप बड़े खुराफाती टाइप के गवर्नर हैं, आप गोवा में थे तो गोवा में आपने चीफ मिनिस्टर की ढेर सारी शिकायत कर दी। सच्ची की थी, लेकिन वो पनिश मुझको किया, उसको तो किया नहीं, जो बिल्कुल सही शिकायतें थी वो की थी। वहाँ क्या था मामला? ठीक नहीं है सब। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि उनको भ्रष्टाचार बहुत बुरा लगता है, नफरत है प्रधानमंत्री जी को भ्रष्टाचार। अंदाज है उनको उतना बुरा नहीं लगता, उनको अपने आदमी का भ्रष्टाचार ठीक लगता है, दूसरों का खराब लगता है। अपने आदमी को छूट दी जाती है। ये जो 2024 का चुनाव है, इसमें इस घटना को, पुलवामा वाली घटना को जो ख़त्म हो गई थी, बल्कि जो सवाल उठा रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक पर पुलवामा पर, कह दिया जाता था कि ये भारत विरोधी हैं, इनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। लेकिन आपके ये सवाल कि पुलवामा में CRPF को जहाज नहीं दिया गया, पुलवामा की घटना में लापरवाही बरती गई, प्राइम मिनिस्टर ने आपको फोन करके कहा चुप रहो, उन्होंने नहीं, दो घंटे बाद मुझे, चूंकि मैं दो चैनल को बता चुका था कि हमारी गलती से, दो घंटे बाद अजीत डोभाल का भी फोन आया, उसने भी कहा सत्पाल भाई अभी मत बोलो इसे, तो मैं समझ गया था अब इसको एक किस डायरेक्शन पे ले जाएंगे। आपको लग गया था कि अब इस घटना के बाद चुनाव में ये इसका फायदा उठाएंगे, इलेक्शन का इशू हो चुका है। बहुत डर लगता है मलिक साहब जब चुनाव पास में आते हैं, और लगता है जो आपने भी कहा आम आदमी के मन में भी ये सवाल होता है, वो कहता है कि ये जादूगर लोग हैं, ये चुनाव से पहले कुछ करवा देंगे, तो क्या ये जो कहते हैं, जो कि आप सत्ता में बहुत करीब रहे, आप गवर्नर रहे, आप पॉलिटिकल विंग के इतने करीब ही रहे, क्या इन बातों में सच्चाई होती है? नेता इस हद तक, आप देख रहे हो गोधरा कैसे हुआ, फिर दंगे हुए, फिर कैसे इलेक्शन हुआ, और ये पुलवामा हुआ, फिर इलेक्शन हुए, दिल्ली में दंगे हुए। नेता इतने संवेदनहीन होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आदमी मर रहा है, गरीब आदमी मर रहा है, लाशें आ रही हैं। इस वक्त तो इसी तरह के हैं जिनको कोई संवेदना नहीं है, लड़कियां बैठी हैं एक महीने से, ये जब जीत के आती हैं तो इनको चाय पिला के फोटो कराते हो इनके साथ, और आज इनकी सुनवाई नहीं, एक फ़ोन नहीं आया प्राइम मिनिस्टर का इनके लिए। अच्छा क्यों नहीं आ रहा होगा आपके हिसाब से, क्यों नहीं आ रहा? प्राइम मिनिस्टर फ़ोन करके कहते बेटिया आ जाओ चाय पियो, समस्या क्या है बताओ, हम तुम्हारी बात करें, क्यों नहीं करते? उसके एजेंडे पे नहीं है, जब जीत के आएंगी तो फोटो शूट कराएगा अपना। आपके तो करीबी ताल्लुकात रहे होंगे, गवर्नर बनने के लिए प्राइम मिनिस्टर की क्लियरेंस चाहिए होती है, उन्होंने आपको गवर्नर बनाया होगा, तो आपके तो लंबी लंबी बातें हुई होंगी उनसे। कैसे व्यक्ति कैसे है उनके, मतलब टोटल पर्सनालिटी को खुद से मोहब्बत है, ही लव्स हिमसेल्फ एंड ही लव्स हिमसेल्फ टू मच, उसी में सब चीज समझ लो आप, इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। मुझसे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा कि मैं अपना नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कैसे रखते हो, मैंने कहा आप जनता बहुत पसंद करती है, तो उन्होंने कहा नहीं जनता मुझे भगवान मानती है। ऐसी बातें भी होती हैं, हो सकता है। पार्टी के अंदर, बीजेपी के अंदर रिएक्शन नहीं होता इस बात को, कोई अब हो रहा है, शने शने हो रहा है। 2024 का परिदृश्य आपको कैसा लगता है? 2024 में अगर ओपोजिशन ने पूरी यूनिटी ना करके वन वर्सेस वन कैंडिडेट भी कर दिया तो ये हार जाएंगे। क्या लगता है कि विपक्ष में इतना ऐसा हो पाएगा, क्योंकि वहां भी इतने दावेदार हैं? सहमति हो गई है, विपक्ष की एकता नहीं होगी, कोई एक नेता नहीं चुना जाएगा, लेकिन वन वर्सेस वन जो VP सिंह ने किया था उस तरह का फार्मूला लग के कैंडिडेट तय हो जाएंगे तो भी हार जाएगा। तो उस पर सहमति हो गई, बहुत पार्टियों से बात हुई है मेरी। आपकी बात हुई है, मतलब आपका, मैं ये मान सकता हूँ कि अब आपको भी बुरा लग गया है कि आपको इस तरह हटाया गया, और आपकी बाद में सिक्योरिटी हटाया गया मकानी, तो अब आप भी गुस्से में, आप भी बिल्कुल उनको नेस्तनाबूद करने के लिए अपोजिशन से बात कर रहे हैं। मैं उस तरह से नहीं सोचता, मैं गुस्से से मैं देश के बारे में सोचता हूँ। अगर ये रहेंगे, खेती को ख़त्म कर देंगे, किसान को ख़त्म कर देंगे, फौज को ख़त्म कर देंगे, नौजवान, महंगाई हो जाएगी, बेरोजगारी हो जाएगी, देश नष्ट हो जाएगा। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में? ना मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ना मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैं देश को बचाने की लड़ाई लड़ूंगा। तो क्या प्लानिंग क्या है सतपाल मलिक की, प्लानिंग क्या है? मेरी प्लानिंग है सबसे मिलता जुलता रहूंगा, जहां जरूरी होगी कैंपेन में कोई बुलाएगा जाऊंगा। अच्छा, आप चूंकि जनता से लगातार मिलते हैं, संवाद करते हैं, जानते हैं, जनता आपके पास लगातार आती रहती है, क्या फीलिंग है आम आदमी के मन में कि सरकार को लेकर क्या है? आम आदमी की फीलिंग ये है कि बहुत बुरी सरकार है, ऐसी सरकार कभी नहीं आई, इसको हटाएंगे। वो जो हिंदू राष्ट्र वाली बातें हैं, जो बोलिए आप, जितना रोज नहीं होता वो, हिंदू दंगे के दिन हिंदू होता है, फिर चार दिन बाद वो नॉर्मल हो जाता है। अच्छा,
आखिरी सवाल, आपको लगता है कि 2024 के चुनाव से पहले फिर कोई एक बड़ी घटना, ईश्वर ना करे, हो सकती है? कुछ भी कर सकते हैं, फिर कोई घटना हो सकती है। तो रोज सुबह जब उठता हूँ ये मान के उठता हूँ कि ये कहीं भी मरवा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। आप अपनी सुरक्षा को लेकर खुद क्यों नहीं करते? देखिए, मैं ईश्वर पे छोड़ दिया, अब उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। आप ऐसी मस्त रहेंगे, निश्चित रहेंगे। ये भी सही है, अगर मुझे इन्होंने हार्म करने की कोशिश की तो इनको ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। ये थे सतपाल मलिक, कह रहे थे कि सुरक्षा भगवान भरोसे है और इंदिरा गांधी को भी उनके सुरक्षाकर्मी नहीं बचा सके। ये एक बात है, लेकिन हर आदमी की, ऐसे आदमी की सुरक्षा की जाती है। सतपाल मलिक ने तो धारा 370 हटाने वाले कागज पे हस्ताक्षर किए, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा मुद्दा है। सरकार से के समर्थन में और ना, और सरकार के विरोध में होना, उनके विचारों से सहमत होना और विचारों से असहमत होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। लेकिन लोकतंत्र में अपने से असहमत होने वाले का भी सम्मान किया जाता है, उसकी सुरक्षा की जाती है। मुझको यकीन है सरकार के कम से कम यह एहसास होगा कि सतपाल मलिक भले सच बोल रहे हों या गलत बोल रहे हों, इसका फैसला एक जांच के बाद होगा। लेकिन एक शख्स बोल रहा है जो कई राज्यों में आपने गवर्नर चुना, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, सरकार की है। कैसा लगा इंटरव्यू? अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।